हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और छोटे से टॉपिक और उसके कॉन्सेप्ट को लेकर। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में चीज़ों को शुरू किया था, उसी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी ये पहल आपको कैसी लग रही है, आप अपने कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा आप हमसे जुड़ेंगे, हम उतना और अच्छा कंटेंट आपको देते जाएंगे। तो गाइज़, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन देते रहिए, लोगों तक इसे पहुंचाते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। और हम आपको ऑफिसर डिफेंस की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार कराएंगे गाइज। और हम हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड है कि हम आपको और नए क्वेश्चंस दें। तो मैं बहुत जल्दी इसके लिए स्पीड टेस्ट प्रोग्राम शुरू करने वाला हूं गाइस। तो उसमें भी आप अपना सहयोग करें, जिनको जिनको इंटरेस्ट है वो हम लोग को मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, हम आज के इस छोटे से टॉपिक को शुरू करते हैं। ये टॉपिक मैं बार बार छोटा छोटा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने एक प्लान बनाया है कि भाई बड़े 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 चैप्टर नहीं पढ़ाने हैं, बल्कि चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर आपको देना है, ताकि ना तो आप बोर हो और कॉन्सेप्ट भी आपका एक बार में पूरा की तरह से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। और टॉपिक का नाम है साउंड रेंज, साउंड और उसकी रेंज, है ना। साउंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इनकी चीज़ों को भी हम अलग से देखेंगे, लेकिन आज हमारा पूरा फोकस है कि साउंड की जो रेंज होती है उससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं और क्या क्या बन सकते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो आपको समझाना है। तो चलिए, साउंड रेंज को शुरू करते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है साउंड रेंज, ठीक है। जैसे कि हम हर तरह की लाइट को नहीं देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम हर तरह की लाइट को नहीं देख सकते हैं, है ना। वी कांट सी ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लाइट, है ना। हम सिर्फ विजिबल लाइट को देख सकते हैं, वी कैन ओनली सी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश, विच फॉल बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इन सेम मैनर हम हर तरह का साउंड नहीं सुन सकते हैं गाइस, वी कांट हेयर ईच एंड एवरी साउंड। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का साउंड ही सुन सकते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड ही सुन सकते हैं। और वो जो साउंड होता है उसकी रेंज होती है वो कैसे डिफाइन होती है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन होती है, ठीक है। रेंज ऑफ हेयरिंग, ठीक है, रेंज ऑफ हेयरिंग, श्रवता का परिसर। अगर हम बात करते हैं साउंड, तो हम हर तरह के साउंड को नहीं सुन सकते हैं, वी कांट हेयर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ साउंड, ठीक है। हम जो साउंड सुन सकते हैं वो हम सुन सकते हैं श्रव तरंगों को या फिर सोनिक वेव। वी कैन हेयर द साउंड ऑफ सोनिक वेव विच फॉल बिटवीन 200 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ये रेंज होती है, इसी के बीच की साउंड को हम सुन सकते हैं, ना तो इससे नीचे की सुन सकते हैं, ना तो इसके ऊपर की सुन सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इन दिस टॉपिक इज द रेंज विच वी कैन हेयर इज लाई बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक। सेकेंड थिंग, बिलो 20 हर्ट्ज विच टाइप ऑफ साउंड वी फाउंड, दैट साउंड इज नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले जो ध्वनि होती है उस ध्वनि को हम बोलते हैं अनुश्रव। और इसी प्रकार से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। तो गाइस, वी हैव 3 कैटेगरी ऑफ साउंड रेंज, इंफ्रासोनिक, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक इज द रेंज विच वी फाउंड इन बैट्स, डॉल्फिन्स, डॉग एक्सेट्रा। इंफ्रासोनिक रेंज वी फाउंड इन राइनो, वेल एक्सेट्रा। एंड सोनिक इज मेनली फाउंड इन ह्यूमन बींग्स।
तो जब हम बात करते हैं सोनिक वेव की या सोनिक तरंगों की, तो ये तरंगें पाई जाती हैं मानव में। लेकिन जब हम अनुश्रवों की बात करते हैं तो अनुश्रव तरंगें जो होती हैं, ये अनुश्रव तरंगें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, ये आपका राइनो या फिर वेल में ज़्यादा देखी जाती है। सेम इसी तरह से पराश्रव तरंगें जो होती है चंगादड़ों में, कुत्तों में और आपका डॉल्फिन में, इनके सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कुत्ते वगैरह जो होते हैं, डॉल्फिन वगैरह जो होते हैं, ये एक पर्टिकुलर रेंज की अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकते हैं, है ना। और इनके लिए एक स्पेशल सीटी डिज़ाइन की गई है, कौन सी, गोल्टन सीटी। गोल्टन सीटी इज़ द सीटी विच जनरेट द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी बिटवीन 40 हर्ट्ज और इट्स अबव। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा, वो अल्ट्रासोनिक पे काम करते हैं। बैट्स वगैरह जो होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक वेव और इको पे काम करते हैं, इको। ओके, तो गाइस दीज आर थ्री कैटेगरीज। अब ये कैटेगरी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट को मैं लेके आऊँगा और 10 मिनट में आपके कई सारे क्वेश्चन पेपर में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा, मैं हर बार एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हमेशा उसकी प्रिपरेशन आपको कराऊंगा। हम क्या करेंगे, हम ज्ञान के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम आपके सिलेक्शन के लिए आपको पढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन को। क्वेश्चन आंसर सेशन में आज का पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। पराध्वनिक, पराध्वनिक मतलब अल्ट्रासोनिक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो यहां पर क्या 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 2 किलो हर्ट्ज के बीच में, 2 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। तो गाइस देखो, हमने देखा था 20,000, लेकिन यहां पर 20,000 की जगह 20,000 किलो हर्ट्ज दे दिया गया, है ना, थोड़ा सा आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। 1,000 का मतलब होता है किलो, तो इसको किलो कर दिया, ठीक। तो 20 किलो हर्ट्ज या उससे अधिक, है ना, तो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक। नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर्स। इनमें से कौन सी, निम्नलिखित आवृत्ति परिसर में से कौन सी मानव कण के लिए संवेदी है। संवेदी मतलब इनमें से कौन सी रेंज को ह्यूमन ईयर सुन सकता है, तो ह्यूमन ईयर सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो देखते हैं इनमें से कौन सी इसके बीच में पड़ रही है, तो यहाँ पे सीधे सीधे यही पड़ रही है, देखो सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है और आपके प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत आसान सा है, ना तो हम इसको सुन सकते हैं, ना तो इसको सुन सकते हैं, ना तो इसको, सीधा सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वे बैट यूज टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन देयर फ्लाइंग पाथ। इनमें से कौन सी, ठीक है, अपने उड़ान पथ के अवरोधकों को पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करता है, है ना। अगर तरंग पूछ रहा है तो तरंग तो अलग है, लेकिन टेक्निक पूछता तो इको, ठीक है, प्रतिध्वनि की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब यहां पे क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करता है। तो देखो यहां पर चंगादड़ कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत आसान सा है, ये जब चंगादड़ उड़ता है तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वो क्या करता है, वो आवाज निकालते चलता है, और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव की है। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। चंगादड़ कौन सी वेव जनरेट करता है, अल्ट्रासोनिक, यू वेव्स या यूएस वेव, पराश्रव तरंगे। चंगादड़ मैंने आपको बताया था वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जब वो चिल्लाता है तो हमारे कान को नुकसान भी पहुंचाता है, उससे ऊपर 20,000 या उससे ऊपर की चलती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे पराश्रव है, रेडियो तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग और औरक तरंग, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, है ना, रेडियो वेव, ठीक है। तो इससे भी आप फिगर आउट कर सकते हैं कि एक बाकी तीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और एक आपका मैकेनिकल वेव है, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, लैंग्वेज बड़ी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन
सही नहीं है, है ना। तो पहला ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड एंड और अब्सॉर्ब, पराशर तरंगे परावर्तित अपवर्तित या अवशोषित नहीं होती है, ठीक है। दूसरा अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट लाइक क्रैक पोरोसिटी इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर मटीरियल, ठीक है। पराशर तरंगों का उपयोग समान संरचना द्रवों की आंतरिक संरचना दरारों समानता आदि जैसे दोषों की उपस्थिति की पहचान में होता है। भाई दूसरा वाला तो एकदम सही है ना, लेकिन पहला वाला देखो, पहला वाला ही गलत है, पहला वाला तो एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि देखो आपका जितने भी अल्ट्रासोनिक वेव होती है भाई, बैड अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बैड जब अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है तो टकरा के वापस आती है, तो सारी वेव्स में ये तो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी और एब्जॉर्ब होने की प्रॉपर्टी तीनों होती है। जितनी भी वेव्स होती हैं उनमें ये तीनों प्रॉपर्टी होती ही होती है गाइस, तो तरंगों की तो मेजर प्रॉपर्टी है। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। बाकी सब सही में देखो अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी यूज फॉर मेकिंग होल्स इन वेरी हार्ड मटेरियल लाइक डायमंड, ये भी सही है, ठीक है। तो देखो ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, कभी पूछी जाए तो आप इसे बता सकते हो। इसी तरह से अल्ट्रासोनिक वेव कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये भी सही है, तो आप इसको भी बता सकते हो गाइस, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा और इस पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान सा था लेकिन कंसेप्ट बेस्ड था, तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इसके बाद के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बैट डिटेक्ट ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड, है ना। निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान करती है, चमगादड़ तो किससे करती है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही लगा रखे हैं तो देखो वही, देखो वही पैटर्न है गाइस, कंसेप्ट वही होता है, नए नए तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन को नए तरीके से बनाया जा रहा है। देखो वही क्वेश्चन फिर से, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है आपका, यूवी रेज सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव्स पराश्रव तरंगे। भाई सीधे से बात है, इसमें माइक्रोवेव रेडियोवेव और इंफ्रारेड, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये चमगादड़ नहीं जनरेट कर सकता है, तो सीधा बचा क्या आपका अल्ट्रासोनिक वेव। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं पेपर के, लेकिन समस्या ये होती है आप इसको समझने में दिक्कत करते हैं गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन द करेंसी नोट, करेंसी नोट में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, जाली मार्कशीट हो, जाली नोट हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो गलत मार्कशीट वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनमें जितनी भी घोटाला होता है उसको पता करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट वेव कौन सी होती है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती, सॉरी अल्ट्रावायलेट वेव मतलब यूवी रेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यूवी रेस यहां पर यूज होती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पराबैंगनी तरंगे, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने यहां पे इसको इसलिए डाला ताकि देखें कि आप लोग इसको सोच पाते हो कि नहीं। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं, पिछले टॉपिक का ये क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसको यहां पर ऐड कर रखा है, ठीक। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सोचने वाला इसलिए क्योंकि इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है। साउंड वेव आर सिमिलर टू वेव्स, ठीक है। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित तरंगों में से किसके समरूपी है, समरूपी मतलब किससे मिलती जुलती है। मोबाइल फोन, नीचे शुरू करते हैं, मोबाइल फोन के टावरों द्वारा जनित तरंगों के, जनरेटेड बाय द मोबाइल फोन टावर, भाई ये तो माइक्रोवेव होती है, नहीं इक्वल क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। द लेजर लाइट पासिंग थ्रू द एयर, वायु से गुजरने वाली लेजर प्रकाश तरंग है, भाई ये भी नहीं है क्योंकि भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जनरेटेड इन द स्ट्रेंच वायर बाय हिटिंग और प्लकिंग द वायर, किसी खींचे हुए तार पर आघात करने या उससे आकर्षित करने पर जनित, तो ये भी नहीं क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है और आपकी साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बचा क्या, अगर आप रिजेक्शन मेथड लगाओगे तो मिल जाएगा
generated in a pipe filled with air by moving the piston attached to the pipe up and down. किसी वायु से भरी नाली से जुड़े पिस्टन को ऊपर और नीचे गति कराने में जनित तरंगे. देखो यहाँ पर आपको रिजेक्शन मेथड लगाना है. अगर आपने रिजेक्शन मेथड लगाया तो आंसर क्या निकलेगा? आंसर आपके पास आ जाएगा सी. ठीक है, जब आप रिजेक्शन मेथड लगाओगे ए और डी तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, बचेगा बी और सी. बी और सी में फिर आपको देखना है कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सी ट्रांसवर्स है. क्यों? क्योंकि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो ट्रांसवर्स वेव नहीं है. दूसरी वाली जो डिफाइन हो रही है वो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है. तो गाइस चलिए ये तो बात हो गई हमारे आज के मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. सेशन कैसा लगा इस पर अपने व्यूज जरूर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए, लोगों तक पहुंचाते जाइए. जो भी बच्चे दूर दूर तक अलग अलग क्षेत्रों में जो आपके जानने वाले लोग हैं जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या घर से पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि हम हर किसी को जो जे देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखता है उसको देश के लिए तैयार कर सकें. ठीक है गाइज, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करता हूँ. थैंक यू सो मच गाइज. जय हिंद.